हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7, सो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, करंट कैसे फ्लो करता है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि सर्किट डायग्राम के लिए जो डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करते हैं वो कौन से हैं, सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। फिर हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में और फ्यूज के बारे में देखा था। तो उससे आगे इस क्लास में पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो हमने बात की थी कि क्या है जी, जब एक्सेस करंट पास होता है तो आपका फ्यूज मेल्ट हो जाता है और फ्यूज मेल्ट होने की वजह से आपका सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है और आपके अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। सो हाउ कैन एक्सेसिव करंट पास थ्रू अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर हकीकत में ये एक्सेस करंट आता कहां से। रीजंस व्हाई एक्सेस करंट पास थ्रू अ सर्किट आर, समटाइम्स वी कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस टू द सेम सॉकेट। आपने घर में अपने सॉकेट देखा होगा, ऐसे 3-3 प्लग होता है ना। जब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ही सॉकेट के अंदर कई सारे डिवाइसेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा करंट उस एक छोटे से सॉकेट के अंदर से यूज किया जाने लग जाता है, कंज्यूम किया जाने लग जाता है। इसकी वजह से वहां पर लोड पड़ जाता है सर्किट के ऊपर और वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे फायर भी लग सकती है। बहुत बार आपने कॉमन सिनेरियो में देखा भी होगा, वो जल जाता है। When the insulation of wires, आपने देखा है जो वायर होते हैं उसके मेटलिक पार्ट के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, आपने पूरे प्लास्टिक की कवरिंग देखी होगी, अलग अलग कलर की होती है। जब वो इंसुलेशन, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन, जो आपको करंट लगने से बचाती है, जो इंसुलेशन है वायर की, टॉर्न अवे हो जाए, खराब हो जाए, उतर जाए, बाई चांस कहीं से कट जाए, द वायर्स कैन कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो जितने भी वायर हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक स्पार्क कॉज होगी, जिससे फायर लग सकती है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये दो रीजन आपको याद रखने हैं कि कैसे एक्सेसिव करंट आपके सर्किट के अंदर फ्लो करने लग जाता है। दिस इज व्हाई फ्यूजेस आर यूज्ड टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। इसीलिए फ्यूजेस का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से हमारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CFL लैंप दिख रहा है यहाँ पे, आपने पहले के टाइम पे, अब आपके घर में LED बल्ब यूज होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग, एमिट करना मतलब छोड़ना, एमिटिंग डायोड्स। लेकिन लाइट एमिटिंग डायोड से पहले आपके घर में क्या यूज होती थी, CFL यूज होती थी, ठीक है जी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म ऊपर की तरफ गिवन है। ऐसी कुछ ट्यूब्स आपके घर में यूज होती थी जिनको हम क्या कहते थे, CFL कहते थे। CFL की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। CFLs do not work on the heating effect of electric current. जो CFL है वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करते। हमने देखा था जो बल्ब था लास्ट क्लास में, हमने देखा था जो बल्ब था वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, लेकिन CFL हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम नहीं करती। They do not have a filament inside them. Instead, they contain two electrodes that produce light. इनके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता, जैसे बल्ब के अंदर टंगस्टन का फिलामेंट प्रेजेंट था, ऐसा कोई फिलामेंट CFL के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। फिलामेंट की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वही लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। दीज बल्ब्स हैज ए फ्लोरोसेंट कोटिंग इनसाइड देम व्हिच मेक्स द लाइट ब्राइटर। इनके अंदर फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट जो ग्लो करती है, फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है इन ट्यूब्स के अंदर, जो लाइट को और ज्यादा ब्राइटर कर देती है। इस वजह से जो CFL है वो एनर्जी को सेव करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो हीट बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं जब वो लाइट प्रोड्यूस करें। अब बल्ब था, बल्ब क्या कर रहा था, आपका लाइट के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा था। आपने कई बार देखा होगा आप पेटीज खाने जाते हैं तो वहां पर बल्ब लगा रखा होता उस ओवन के अंदर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बल्ब भी हीट काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। तो CFL वो ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए वो कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ऑर्डिनरी बल्ब्स ऑन द अदर हैंड वेस्ट एनर्जी एज दे गेट हीटेड बाय लाइटिंग अप। तो जो नॉर्मल बल्ब थे पहले के टाइम के, वो ज्यादा बिजली को खराब करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती थी। तो जब भी आपको कोई अप्लायंस खरीदना हो तो आप उसके ऊपर क्या देखेंगे, एक ऐसा ISI मार्क देखेंगे। आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा ISI का, आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर ऐसा सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो व्हाट इज एन ISI मार्क, तो ये ISI मार्क होता क्या है, ISI की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट
जो स्टैंडर्डाइज करता है ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्टैंडर्डाइज करता है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा थोड़ा कम कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई भी अप्लायंस लेना है तो ISI मार्क वाला ही लेना है, क्योंकि वो सेफ भी होते हैं और कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। Hence, if any appliance does not have an ISI mark over it, it means that this appliance does not conform to the standard guidelines of ISI and hence it is not safe to use. So, aise devices safe नहीं होती हैं use करने के लिए, क्योंकि जो आपका Indian Standards of Institute है वो क्या करता है, इनको check करके देखता है सभी appliances को कि क्या ये user friendly हैं, क्या ये safe हैं। कई बार फट जाती हैं चीजें, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें फट जाती हैं, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि उनको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया था ISI के द्वारा। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी अप्लायंस होल्ड सच अ मार्क, इट मींस दैट इट इज सेफ टू यूज। ये क्या है, सेफ है यूज करने के लिए, एंड इट्स इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इट विल नॉट लेड टू वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और ये इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं होने देगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उनके ऊपर आपको इस सिंबल को देखना है, और जनरली ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। तो व्हाट आर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैंने कल आपको बताया था कि घरों में अब बिल्डिंग्स के अंदर अब फ्यूज की जगह पे MCB का यूज करते हैं, और M स्टैंड्स फॉर मिनिएचर, मिनिएचर होता है छोटा, C फॉर सर्किट, B फॉर ब्रेकर, जो छोटा सा है जो सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब आपने ऐसी MCB अपने घरों में देखी होंगी जो जनरली क्या हो जाती है, जब ज्यादा हीट होती है तो ये MCB डाउन हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद इस MCB को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और MCB इज जनरली यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूज। बिल्डिंग्स में फ्यूज की जगह अब क्या यूज होता है, MCB यूज होती है। अ फ्यूज ब्रेक्स ड्यू टू एक्सेसिव करंट सो दैट द सर्किट ओपन्स एंड द डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। जो फ्यूज है वो ब्रेक टूट जाता था जब एक्सेस करंट जाता था, क्योंकि वो फ्यूज आपका मेल्ट हो जाता था। अब वो एक बार ब्रेक हो गया, उसके बाद आपको जरूरी है कि आप उस फ्यूज को क्या करें, रिप्लेस करें। हाउएवर वंस अ फ्यूज ब्रेक्स डाउन इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। एक बार आपका फ्यूज खराब हो गया तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, आपको नया फ्यूज खरीदना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो MCB है इज अ स्विच, वो एक स्विच है विच टर्न्स ऑफ, जो ऑफ हो जाता है ऑन इट्स ओन, अपने आप जब सर्किट के अंदर ओवरलोड ज्यादा हो जाता है। तो जब आपके सर्किट के अंदर ओवरलोड ज्यादा हो जाता है तो ये जो MCB है अपने आप ऑफ हो जाती है। Once the problem of the circuit is rectified, we can switch on the MCB once again. और जैसे ही वो problem आप दूर कर लेंगे, जो short circuit हुआ था और overload हुआ था उसकी वजह से MCB down हुई थी, जब आप उस problem को दूर कर देंगे तो हम इसको manually जाके उठा सकते हैं। तो MCB हमेशा लगातार use हो सकते हैं, जबकि fuse एक बार खराब होने के बाद use नहीं हो सकते। So, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि करंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है आपका हीटिंग इफेक्ट और दूसरा क्या है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, वो भी देख लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पास थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर के अंदर से, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और इसी इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। विच वॉज डिस्कवर्ड बाय हंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड, इस साइंटिस्ट के द्वारा मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था। ही डिस्कवर्ड दैट द नीडल ऑफ कंपास, कंपास आपको पता होगा जो हमको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है, उसके अंदर एक नीडल प्रेजेंट होती है जो नॉर्थ के जो उसका हेड है वो नॉर्थ को फेस करता है और जो उसकी टेल है वो साउथ को फेस करती है। हकीकत में इस नीडल के अंदर क्या होता है, ये नीडल अपने आप में क्या है, एक मैग्नेट है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से खुद को अलाइन करके अर्थ की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताती है। ठीक है जी, मैग्नेट है और आपको पता है मैग्नेट को जब दूसरे मैग्नेट के एरिया के अंदर लेके जाया जाता है तो उस इफेक्ट से वो मैग्नेट के अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है, या तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, तो मतलब अपनी पोजिशन से वो मैग्नेट चेंज हो जाता है। तो अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो वो मैग्नेट आपको उसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताएगा। ठीक है जी, तो उसने ये कैसे डिस्कवर किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ही डिस्कवर्ड दैट द नीडल ऑफ द कंपास डिफ्लेक्ट्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर। उसने क्या देखा भाई कि जो नीडल है किसी भी कंपास की वो डिफ्लेक्ट होती है कब,
जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में से पास किया जाए और उस कंपास को उस वायर के पास रखें। फॉर एग्जांपल ये कंपास है, यहाँ पे एक वायर है, जब इसके अंदर से करंट नहीं जा रहा है तो ये नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है। जैसे इस वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है, इस जो आपकी क्या है नीडल है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ये हिलने डुलने लग जाएगी। दिस इंडिकेट्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड नियर द वायर दैट इज डिफ्लेक्ट दैट डिफ्लेक्ट्स द नीडल। ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, क्यों, क्योंकि एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट के फील्ड में जाएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। तो हमें पता चल जाता है कि पहले तो ये नॉर्मल नॉर्थ साउथ दिखा रहा था, जैसे ही करंट ऑन किया तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब इस वायर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है, मैग्नेटिक कंपास नीडल दिखाई गई है, जो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे। जब करंट फ्लो करेगा एक सर्किट के अंदर तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा वो वायर, तो कंपास नीडल के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। तो जब करंट ट्रेवल कर रहा है, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिली और ये कंपास नीडल नॉर्थ से वेस्ट की तरफ थोड़ी सी क्या हो गई, मूव हो गई है। जब करंट को मैंने सर्किट के अंदर उल्टा किया, बैटरी के टर्मिनल्स को पलट दिया, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पहले नेगेटिव था, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। इससे हमें पता चलता है कि एक जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है, और करंट की डायरेक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाता है। पहले ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट की तो नॉर्थ वाले जो साइड है वो ईस्ट की तरफ बेंड होने लग गई। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से बना हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एवरी मैग्नेटिक मटीरियल हैज ए मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड मतलब भाई, अब कई बार वर्ड बोल दिया, फील्ड क्या है, जैसे ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का वो एरिया, चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर उस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है उसको उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो सभी मैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके अंदर उसके मैग्नेटिज्म को महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अ मैग्नेट हुज मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है किसकी सहायता से, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से इफेक्ट की वजह से बना है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से बना है, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी सहायता से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या है जी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां पर क्या है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये वायर था, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है भाई पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो आपका आप देख सकते हैं कि अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ। तो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एप्लीकेशंस कहाँ है, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे टॉयज के अंदर इसको यूज करते हैं। ऑल काइंड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, जो भी आपके मोबाइल हैं, जितने भी ये कम्युनिकेशन वाले डिवाइसेज हैं, इन सब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन क्रेन्स टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक एंड टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। जो क्रेन्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं जो डंपिंग यार्ड जंक यार्ड में आपको देखने को मिलेंगी, वो क्या करेंगी भाई, जैसे ही स्विच ऑन करेंगी तो जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्रेन के साथ चिपक जाएगा और दूसरी जगह जाके उसको ऑफ कर देंगी, तो वो वहां से क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल जो है आयरन वगैरह है वो नीचे गिर जाएगा। दे आर यूज बाई डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के द्वारा यूज करते हैं ताकि रिमूव किया जा सके किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल को जो एक्सीडेंटली किसी की आई के अंदर गिर गया। आई के अंदर अगर कोई आयरन जैसी चीज, जो मैग्नेटिक मटीरियल वो जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो अगर ऐसी कोई चीज
आई के अंदर चली गई है, तो डॉक्टर उस चीज को बाहर निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, क्योंकि अगर वो नीडल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो आपका होल है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आई को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक बेल। या आपने गोंग देखा होगा, एक हैमर देखा होगा जो इसको बार बार लगातार क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आपके इसके अंदर देखिए सिस्टम, ये स्विच है जिसको प्रेस करने से ये बेल क्या होती है, बजती है। तो बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है जो इजीली मूव कर सकता है, और यहाँ पे क्या है, एक हैमर है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। आप देख सकते हैं अब जब स्विच को ऑन किया जाता है तो इस सर्किट के अंदर क्या करता है जी, करंट फ्लो करता है। क्या करता है, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है, और जैसे सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होने की वजह से वो इस आर्मचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हैमर इस गोंग को स्ट्राइक करेगा। जैसे ही ये अपने इसको अट्रैक्ट करेगा, यहां से क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये अभी दूर हो जाएगा इससे, तो बीच में गैप आ जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होते इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। जैसे ही वो बंद होगा, इसकी अट्रैक्शन पावर खत्म हो जाएगी, अट्रैक्शन पावर खत्म होगी तो ये सॉफ्ट आयरन आर्मचर वापस आ जाएगा अपनी नॉर्मल पोजिशन में, और अगर आपने स्विच को दबा रखा है तो फिर से करंट आएगा। करंट आते ही के साथ ये दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ये दोबारा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोबारा हैमर इसको स्ट्राइक करेगा। और जो ये फिनोमिना हो रहा है, ये बहुत ही तेजी से होता है, इस वजह से लगातार आपको बेल बजती हुई सुनाई देती है। दोबारा समझ लीजिए कि जैसे मैंने स्विच को दबा के रखा, करंट जा रहा है, करंट यहां से एंटर कर रहा है इसके अंदर, ठीक है जी, सर्किट पूरा हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यहां से ये जो पॉइंट है, यहां से एंटर कर रहा है, सर्किट पूरा हो गया तो ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से काम करेगा, तो ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। जैसे ही इसने इसको अट्रैक्ट किया, ये दोनों चीजें, ये वाली और ये वाली, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ हो जाएंगी तो यहां से कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बीच में ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरीके से काम नहीं करेगा। तो जो इसने इसको अट्रैक्ट कर रखा था, ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। जैसे ही नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, ये इस पॉइंट पे टच करेगा, टच करते ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा ये क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ये दोबारा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, दोबारा हैमर उसको स्ट्राइक करेगा। जैसे ही हैमर स्ट्राइक करेगा, यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इसका मैग्नेटिज्म फिर खत्म हो जाएगा, तो ये वापस ये सॉफ्ट आयरन आर्मचर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाएगा, और जैसे ही दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंचेगा, टच हो जाएगा, टच होता है ये दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो जो ये प्रोसेस है, ये रिपीटेडली बहुत बार होता है, जिससे आपको लगातार बेल बजते हुए सुनाई देती है। सो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड ओवर एन आयरन पीस दैट फॉर्म्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया था, अभी लेफ्ट साइड में था। एक आयरन स्ट्रिप है जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, विच हैज ए हैमर अटैच्ड टू इट, विच इज जॉइंड टू द वायर कॉइल। वायर कॉइल से जॉइंड है भाई, ये आपकी आयरन स्ट्रिप है जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, जिसके एक एंड के ऊपर हैमर है जो गोंग को स्ट्राइक करता है। एक कॉन्टेक्ट स्क्रू है, एक कॉन्टेक्ट स्क्रू दिखा रहा था मैं आपको, जो उस आयरन स्ट्रिप के साथ अटैच था, जहां से सर्किट कंप्लीट हो रहा था। एक बैटरी है जो कनेक्टेड है उस वायर कॉइल के साथ, और एक कॉन्टेक्ट स्क्रू के साथ। एक स्विच है जिसको दबाने से वो बेल क्या होती है, बजती है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया है, यहाँ पे वर्डिंग्स देख लेते हैं। व्हेन द स्विच ऑफ द बेल इज ऑन, जब बेल का स्विच क्या हो, ऑन हो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ वायर विच मेक्स द आयरन पीस अटैच्ड टू इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, करंट पास करता है कॉइल के अंदर से, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट स्क्रू के पास भी था, है ना, कॉन्टेक्ट स्क्रू से पास होके उस सर्किट को कंप्लीट कर रहा था, जिससे जो वायर की कॉइल थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इसकी वजह से जो आयरन पीस है वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, किसकी तरफ भाई, जो आपकी कॉइल थी उसकी तरफ, जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर था वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो हैमर था वो गोंग को स्ट्राइक करता है। एज ए रिजल्ट द आयरन पीस अट्रैक्ट्स द हैमर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड द हैमर दस हिट्स द बेल एंड साउंड इज प्रोड्यूस। एज द हैमर मूव टुवर्ड्स, और जैसे ये हैमर मूव करेगा आयरन पीस की तरफ, इट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट स्क्रू, वो कॉन्टेक्ट स्क्रू से अलग हो जाएगा, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, जो कॉइल है वो करंट रिसीव करना बंद कर देगी और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो वो वापिस उसको क्या कर देगी,
रिलीज कर देगी जो आयरन स्ट्रिप को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब आयरन स्ट्रिप नॉर्मल अपनी पोजीशन में जाएगी, नॉर्मल पोजीशन में जाते ही वो क्या करेगी जी, एज ए रिजल्ट द हैमर फॉल्स बैक, जो हैमर है वापस चला जाएगा ओरिजिनल पोजीशन में। जैसे ही हैमर फॉल बैक करके ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, वो दोबारा इट अगेन कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द कॉन्टेक्ट स्क्रू, वो दोबारा कॉन्टेक्ट स्क्रू के कॉन्टेक्ट में आएगा, जिससे सर्किट दोबारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो आयरन पीस है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ और सारा प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। हैमर जो है वो बेल को स्ट्राइक करेगा और आपकी बेल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होता है, इसलिए बहुत तेजी से आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप देख पाएंगे, बहुत तेजी से होता है तो आपको रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।